दोस्तों यहाँ पर कल की 2898 AD को देखने के बाद जो भाई साहब सैन डाइगो के अंदर काफ़ी बड़ी हाइप क्रिएट होती हुई देखने को मिल चुकी है, और यूएसए के अंदर जो यहाँ पर अभी रिसेंटली इवेंट हुआ है उसने जो है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो कि एक्साइटमेंट लेवल को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो कि कल की मूवी को लेकर भाई साहब यूएसए की जो एक्सपर्ट्स हैं, VFX एक्सपर्ट्स हैं, फिल्म मेकर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो कि यहाँ पर तारीफ करके बोला है कि कल की जो मूवी है वो यहाँ पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी होने वाली, जो कि यहाँ पर काफी बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगी, कहीं ना कहीं जो कि मार्वल्स को भी टक्कर देती हुई देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो कि अब भारत की मूवीज भी जो कि यहाँ पर यूएसए की मूवीज को टक्कर देने पर आ चुकी है। अब यहाँ पर कल की जो कि वन ऑफ द एक बेस्ट ऑफ द मतलब कि तबाही मचाने वाली मूवी बनने वाली है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सलार से भी ज्यादा कहीं जो बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो हमको कल की तोड़ती हुई देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर नहीं, यूएसए, यहाँ पर साउथ अफ्रीका, हर जगह पर जो कि ओवरसीज के अंदर भी काफी बड़े लेवल के ऊपर तबाही मचाती हुई देखने को मिलेगी। साउथ सिनेमा इतना बड़ा बन चुका है जिसका क्योंकि आपको यहाँ पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसी के साथ यहाँ पर नाग अश्विन ने यह भी बोला है कि भाई साहब मूवी काफी बड़ी यहाँ पर जो कि तबंग मचाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार हैं, जिसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पर प्रभास अन्ना सबसे पहले, उसके अलावा अमिताभ बच्चन, देन यहाँ पर कमल हसन जैसे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी जो कि इस मूवी का हिस्सा है। तो दोस्तों ये समझ लें कि मूवी काफी बड़े रिकॉर्ड हमको तोड़ती हुई देखने को मिलेगी, ये कन्फर्म कर ले। अब देखिए आते वाले फ्यूचर के अंदर क्या सीन्स होते हैं, कैसे जो कि परफॉर्मेंस करती, कैसे जो कि यहाँ पर भाई साहब प्रमोशंस करती हुई देखने को मिलती है मूवी, और कौन कौन सी मूवी को टक्कर देती हुई दिखाई देती है, ये तो हमको जो कि इन आने वाले फ्यूचर के अंदर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ठीक हमको जो कि 93 अब तो यहाँ पर जो कि हो सकता है कि 91 डेज बचे हैं ट्रेलर आने के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो कि हमको मई की फर्स्ट डेट्स के अंदर जो कि हमको देखने को मिल जाएगा ट्रेलर। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो ये समझ लेंगे भाई साहब हिंदुस्तान की सिनेमा के अंदर जो भाई साहब एक नए टाइप की जो मूवीज हैं वो यहाँ पर रिवॉल्व होना और स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखते हैं क्या सिनेरियो होते हैं। मूवी जो कि ये बताया जा रहा है यहाँ पर यूएसए के अंदर जो यहाँ पर चीजें हुई है, इवेंट के अंदर जो चीजें हमको देखने को मिल रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो कल की मूवी है वो यहाँ पर मार्वल्स के बराबर के ऊपर आती हुई देखने को मिल सकती है। VFX के अंदर तबाही मचाने वाली, अब देखते हैं क्या सीनरी होते हैं, बस VFX का ख्याल रख लें भाई साहब, मूवी नो डाउट काफी बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। प्रभास अन्ना को आप किस लुक के अंदर देखना चाहते हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाहुबली के बाद प्रभास अन्ना हमको जो कल की अवतार के अंदर देखने को मिलने वाले, एक अलग ही सिनेमा, एक अलग जो कि यहाँ पर सेट लगाया गया है जिसके अंदर जो कि हमको इस मूवी की शूटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि भाई मूवी ये समझ लें कि 100% रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं भाई साहब। सिनेमास की जो यहाँ पर हाइप है वो बिल्कुल ही चेंज होने वाली है, एक नए किस्म की जो कि मूवीज जो कि यहाँ पर कदम रखने जा रही है इंडियन सिनेमास के अंदर, बिल्कुल नाम चेंज होने। देखते हैं क्या सीन होते हैं फ्यूचर के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर हम पता चलेंगे भाई साहब क्या सीन्स होते हैं ट्रेलर के अंदर कैसा, जो कि अब यहाँ पर टीजर भी हमको देखने को मिलेगा, दो ट्रेलर आ सकते हैं जिसके अंदर जो कि एक टीजर और एक ट्रेलर, बाकी हमको पोस्टर्स भी जल्द से जल्द मिलते हुए देखने को मिलेंगे। भाई साहब मूवी की जो मेकर्स टीम है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए, मूवी को जो कि यहां पर उतारने के लिए। मूवी जो है वो हमको 2024 की 7th या फिर 6th या फिर 8th इन तीनों मंथ्स के अंदर किसी भी मंथ के अंदर आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों ये हो गया तो मतलब कि सिनेमा चेंज होने वाला है, ये कंफर्म कर लीजिए। और भाई साहब एक्साइटमेंट की जो घड़ियां है वो खत्म होने वाली है प्रभास अन्ना जो कि हमको एक और नए अवतार के अंदर देखने को मिलने वाले। देखते हैं क्या सीनरी होते हैं, कैसे जो कि परफॉर्मेंस करती है, आपका क्या ख्याल है प्रभास अन्ना के बारे में, आपको क्या लगता है मूवी कैसा परफॉर्म करेगी, ये जो कि मुझे आप अभी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल जाइए। और भाई साहब अपना प्यार दिखाइए प्रभास अन्ना के लिए, और चैनल के ऊपर नए हो तो भाई साहब प्रभास अन्ना के फैंस हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आने वाले फ्यूचर के अंदर हर एक जो अपडेट है कल की से रिलेटेड या फिर किसी भी बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री की मूवी से रिलेटेड आपको सबसे पहले पहुंचती रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों।